तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं आप सभी को आज के इस ज़बरदस्त मुकाबले। यहाँ पे टीम ऑस्ट्रेलिया को पूरे तरीके से फंसाया हुआ है, सिर्फ 5 ओवर का ये मैच, आखिरी ओवर लेकर आए इफ्तिखार अहमद। क्या लगता है, क्या बड़े शॉट्स देखने को मिलेंगे या नहीं? इफ्तिखार अहमद इस ओवर की पहली गेंद करेंगे और रिवर्स स्वीप का प्रयास, लेकिन यहाँ पे गति से बीट हुए, डॉट बॉल आएगा। 5 ओवर का ये मुकाबला, टीम ऑस्ट्रेलिया को बड़ा लक्ष्य सेट करना पड़ेगा। देखना होगा क्या सेट कर पाती है बड़ा लक्ष्य या नहीं। माश बल्लेबाजी में मौजूद, अगली गेंद इस ओवर की, इस मरतबा सीधे बल्ले के साथ गेंद को भेजा 6 रन के लिए, सीमा रेखा पार। क्या लगता है दोस्तों, कितने रन के अंदर यहां पे रोक पाएगी टीम ऑस्ट्रेलिया? एक बड़ा टारगेट अगर सेट करने में काम है, अभी थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहेगा यहाँ पे पाकिस्तान के लिए चेस करना, क्योंकि 5-5 ओवर का ये मैच है। अगर यहाँ पे रन रेट 10 से ऊपर हो गया तो मुश्किल रहेगा। 42 रन ऑलरेडी बन चुके हैं बोर्ड पे। देखना होगा दूसरी गेंद किस प्रकार की डाली जाती है यहाँ पे। लीजिए दूसरा छक्का इस ओवर का मार्च के बल्ले से, यहाँ पे अब बल्लेबाजी नहीं रुकने वाली। दो गेंदों में 2 छक्के यहाँ पे लगा दिए दोस्तों। क्या लगता है यहाँ पे कितने रन के अंदर रोक पाएगी टीम पाकिस्तान? पहला छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, दूसरा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 130 मीटर का ये छक्का, कहाँ पे डालेंगे गेंद? अब इफ्तिखार अहमद कहीं ना कहीं दबाव जरूर महसूस कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे डालते हैं गेंद। 3 गेंदें ऑलरेडी हो चुकी हैं, 48 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। इफ्तिखार अहमद कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा यहाँ पे। लीजिए इस मरतबा गेंद जाएगी डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, 6 रन के लिए ये बल्लेबाज आज नहीं रुकने वाले। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की उम्मीद थी टीम से, लेकिन यहाँ पे क्या गलती कर दी टीम पाकिस्तान ने, इफ्तिखार अहमद को ओवर थमा के। बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मिलेंगे 6 रन से मार्च, 3 गेंदों पे 3 छक्के ऑलरेडी लगा चुके हैं। क्या लगता है यहाँ पे दोस्तों, क्या चेस कर पाएगी टीम पाकिस्तान ये बड़ा लक्ष्य या नहीं? 54 रन ऑलरेडी बोर्ड पे लग चुके हैं, अभी भी 2 गेंदें बाकी इस ओवर की। लीजिए इस मरतबा भी जाएगी 6 रन के लिए, 4th छक्का यहाँ पे, बिल्कुल गलती कर गई टीम पाकिस्तान। इफ्तिखार अहमद को गेंद थमा के यहाँ पे टीम पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, 50 रन की साझेदारी भी कंप्लीट हुई। कहीं ना कहीं लग रहा था टीम ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल दबाव का शिकार है, लेकिन यहाँ पे क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। इस ओवर की आखिरी गेंद अभी भी बाकी, देखना होगा। आखिरी गेंद भी 6 रन के लिए जाएगी, यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट सेट कर दिया है टीम ऑस्ट्रेलिया ने। देखते हैं दोस्तों क्या यहाँ पे ये चेस कर सकती है टारगेट या नहीं। इनिंग की होगी समाप्ति, जाएंगे अगली इनिंग की तरफ, देखते हैं यहाँ से क्या बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिली दोस्तों इस खतरनाक बल्लेबाज के द्वारा। देखते हैं क्या टीम पाकिस्तान ये टारगेट चेस कर पाएगी या नहीं, एक एक बार आप सभी ने दोस्तों बताना लाजमी। तो दोस्तों दोनों बल्लेबाज यहाँ पे आ चुके हैं, हेजलवुड को थमाई गई है गेंद, देखना होगा यहाँ पे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्या चेस करवा पाएंगे ये टारगेट। देखना होगा इस ओवर की पहली गेंद, और पहली गेंद काफी उछाल मिला, बल्ला जरूर घुमाया लेकिन गति से बीट हुए यहाँ पे मोहम्मद रिजवान। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये लक्ष्य चेस करना इतना आसान रहने वाला नहीं है, 29 गेंदें 67 रन अभी भी चाहिए। देखना होगा दोस्तों किस प्रकार की जाती है यहाँ पे बल्लेबाजी। अगली गेंद इस ओवर की, बढ़िया कनेक्शन यहाँ पे मिलेंगे 6 रन, दूसरी गेंद सीमा रेखा पार। बिल्कुल मोहम्मद रिजवान जानते हैं कि भाई रिक्वायर रन रेट काफी ज्यादा है, अगर बड़े शॉट्स लगाएंगे तो ही मैच में बने रहेंगे। पाले में दे दी गेंद, जाएगी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीमा रेखा पार। यहाँ पे अब कहीं ना कहीं गेंदबाजी के साथ खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि ये दोनों काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं और विकेट में आपने देखा था बिल्कुल गेंदबाजों के लिए मदद मौजूद। लेकिन देखते हैं अगली गेंद, इस बार भी बल्ला जरूर घुमाया, नीचे फील्डर मौजूद, विकेट मिल सकती है टीम ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यहाँ पे चूके, थोड़ा सा चूके, गेंद चली गई 4 रन के लिए। हालांकि कैच जरूर हो सकता था यहाँ पे, मौका जरूर बना था, लेकिन गति से यहाँ पे थोड़ा सा चकमा दिया बल्लेबाज को, लेकिन बल्ला घुमा दिया था मोहम्मद रिजवान ने, फील्डर जरूर गए थे लॉन्ग ऑफ के, लेकिन थोड़ा सा गति से यहाँ पे बीट किया और गेंद चली गई 4 रन के लिए। इसका मतलब कि गेंदबाजों के लिए मदद मौजूद है विकेट में, 10 रन ऑलरेडी बन चुके हैं, 27 गेंदें 57 रन अभी भी चाहिए। रिजवान कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि क्लीन बॉल्ड कर दिया यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों किल्ली उड़ा दी, क्लीन बोल्ड कर दिया हेजलवुड, इसी प्रकार की गेंदबाजी करते हैं, किल्ली उड़ा दी यहाँ, क्लीन बोल्ड कर दिया मोहम्मद रिजवान को। अब आएंगे नए बल्लेबाज फखर जमान, ये दोस्तों ऐसे बल्लेबाज हैं, अगर ये 2 से 3 ओवर खेल गए ये लक्ष्य बिल्कुल चेस हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे डाली जाती है गेंद, 26 गेंदें 57 रन, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद बिल्कुल
खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहा यहाँ पे, बिल्कुल भी खुल के खेलने का मौका नहीं दे रही टीम ऑस्ट्रेलिया। 25 गेंदे हैं, 57 रन अभी भी चाहिए, 25 गेंदे 57 रन, देखना होगा क्या ये रन चेस होगा या नहीं। सीधे बल्ले के साथ खेले, 4 रन जरूर मिलेंगे, 14 पे हुई है पहले ओवर की समाप्ति। जाएंगे दोस्तों अगले ओवर की तरफ, अब आएंगे नए बल्लेबाज दोस्तों सामने मौजूद बाबर आजम। क्या लगता है किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे आज, थोड़ा सा तेज बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। देखते हैं यहाँ पे गेंद किसको थमाई जाती है, स्टार को थमाई गई है गेंद, बिल्कुल सही सोच, टीम ऑस्ट्रेलिया अपने मेन गेंदबाजों से गेंदबाजी करवा रही है। देखते हैं बाबर आजम किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, काफी बढ़िया स्ट्रोक से जरूर लगाते हैं, लेकिन पहली गेंद क्या करेंगे सामने, पहली गेंद सटीक यॉर्कर, सीधा 3 स्टंप्स के बीचों बीच, लेकिन अच्छी बात यह है टीम पाकिस्तान के लिए फखर जमान आ चुके हैं स्ट्राइक पे। देखते हैं फखर किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं स्टार के खिलाफ, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं ये स्टार के खिलाफ, वर्ल्ड कप में आपको याद होगा 3 बुलंदों वाला सिक्सेस लगाए थे। देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल इसी प्रकार से लगाए थे जहां पे छोड़ा था वहीं से किए शुरुआत, 6 रन पहली गेंद पे। क्या फखर जमान यहाँ पे दोस्तों स्टार को टारगेट कर पाएंगे या नहीं, पहली गेंद सीमा रेखा पार, क्या बड़ा ओवर साबित हो सकता है ये, कमेंट करके लाजमी बताना, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लाजमी दबाना है आप सभी ने। 134 मीटर का छक्का अगली गेंद, इस मरतबा हवा में खेले, नीचे फील्डर मौजूद, लीजिए विकेट मिलेगी, यहां पे भी जाना पड़ेगा फखर को वापसी, कोशिश जरूर की थी इस मरतबा भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने की, लेकिन यहां से चकमा दिया स्टार्क ने सच्चे की ओर कर, काफी तेज गेंद सीधा हाथों में खेल बैठे। फखर जमान 10 रन बना के जाएंगे वापसी, अब देखते हैं दोस्तों साइम अय्यूब नए आने वाले बल्लेबाज, काफी बढ़िया बल्लेबाजी जरूर करते हैं लेकिन टीम को जरूरत है बड़े शॉट्स की। 21 गेंदे 46 रन अभी भी चाहिए, 21 गेंदे रन चाहिए 46, लीजिए हवा में जरूर खेले, नीचे फील्डर मौजूद, गेंद चली गई 6 रन के लिए, बाबर आजम सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। यहाँ पे बढ़िया बल्लेबाजी जरूर देखने को मिल रही है लेकिन ऐसे और शॉट्स की जरूरत है यहाँ पे टीम पाकिस्तान को, ऐसे और बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे, देखते हैं क्या लगा पाते हैं या नहीं। अगली गेंद 94 मीटर का छक्का जरूर लगा है, 20 गेंदे से ड्राइव तेजी के साथ सिंगल चौराहे, रन आउट हो सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट थ्रो लगती तो यकीनन रन आउट होते, अभी भी 19 गेंदे 39 रन अभी भी चाहिए, 19 गेंदे हैं 39 रन चाहिए, क्या लगता है दोस्तों क्या चेस कर पाएगी टीम या नहीं। अगली गेंद इस दौर की गेंदबाज तैयार सामने मौजूद, बढ़िया पुल शॉट जरूर किया, खाता खोला साइम अय्यूब ने सिंगल के साथ, 18 गेंदे अभी भी दोस्तों 38 रन चाहिए, क्या ये लक्ष्य चेस होगा या नहीं। देखते हैं कमेंट से खुद आए हैं कैप्टन है, खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, 18 गेंदे 38 रन अभी भी चाहिए, कमेंट से खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, देखते हैं 18 गेंदे 38 रन पहली गेंद, और पहली गेंद वाइड बॉल होगी, यकीनन वाइड बॉल होगी जी नहीं, वाइड बॉल यहाँ पे नहीं करार दी गई यार, मेरे ख्याल में वाइड बॉल थी लेकिन एंपायर सहमत नहीं है। 17 गेंदे अब रन से चाहिए 38, देखते हैं दोस्तों अगली गेंद इस ओवर की, बढ़िया कनेक्शन, कड़क क्या ही कड़क स्ट्रोक है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 6 रन से मिलेंगे यहाँ पे साइम अय्यूब के बल्ले से निकले 6 रन से, या पाकिस्तान ये लक्ष्य दोस्तों चेस करने वाली है या नहीं। साइम अय्यूब युवा बल्लेबाज जरूर है, इनको मौका जरूर दिया गया आज, लेकिन क्या लगता है आज क्या चेस कर पाएंगे या नहीं। अभी भी काफी रन जरूर चाहिए टीम पाकिस्तान को जीतने के लिए, लेकिन देखते हैं क्या चेस कर पाती है टीम या नहीं। 16 गेंदे 32 रन सीधे बल्ले के साथ खेले, यहां पे भी मिलेंगे 4 रन, जब जब इनके बल्ले पे बॉल लगती है दोस्तों सीमा रेखा पार ही जाती है, मिलेंगे 4 रन बैक टू बैक बाउंड्रीज साइम अय्यूब के द्वारा, गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे साइम अय्यूब, बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ गेंद चली गई सीमा रेखा पार, 15 गेंदे 28 रन अभी भी चाहिए, 15 गेंदे हैं 28 रन चाहिए, क्या लगता है दोस्तों चेस कर पाएगी टीम या नहीं। 15 गेंदे रन चाहिए 28, बढ़िया कनेक्शन सिंगल जरूर निकाला है, 14 गेंदे 27 रन, 14 गेंदे हैं रन चाहिए 27, क्या लगता है दोस्तों चेस कर पाएगी टीम या नहीं। इस ओवर की अगली गेंद 14 गेंदे 27 रन, बाबर करेंगे स्ट्राइक इस बार, बिल्कुल हवा में खेले गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 6 रन के लिए, बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों, गेंद को भेजा सीमा रेखा पार,
थोड़ी बहुत फील्डिंग में जरूर चेंजेस करते हुए, लेकिन गेंदें ऊपर से जा रही है, ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फील्डिंग से 13 गेंदें, 21 रन अभी भी चाहिए। इस ओवर की आखिरी गेंद, ओह अच्छी गेंद, काफी बढ़िया गेंद, जाएंगे अगले ओवर की तरफ। 12 गेंदें 21 रन, मेरे ख्याल में 12 गेंदें 21 रन बिल्कुल दोस्तों यहां पे बननी चाहिए। जेम्पा को समाई गई है गेंद, स्पिन गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी जरूर करते हैं। देखना होगा सामने मौजूद साहिम अय्यूब, स्पिन को काफी बढ़िया खेलते हैं, क्या लगता है चेस कर पाएंगे या नहीं। लीजिए पहली गेंद, तो जाइए बाहर से लेके आइए, आगे देंगे गेंद तो ये बल्लेबाज नहीं छोड़ेंगे। रिक्वायर रन रेट मात्र 10 का, लेकिन पहली गेंद 6 रन से बिल्कुल आगे दे दी गेंद, थोड़ा सा आगे बैकफुट पे गए और पंच कर दिया 6 रन के लिए। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोचना जरूर होगा अब जेम्पा को कि कहां पे गेंदबाजी करनी है। अभी भी दोस्तों 52 रन हो चुके हैं, 11 गेंदें, 15 रन अभी भी चाहिए, क्या इसी ओवर में मैच फिनिश होगा। लीजिए पैरों पे दी थी गेंद और पैरों वाली गेंद को साइम अय्यूब नहीं छोड़ते, दो गेंदों पे दो छक्के लगा दिए, मैच को वन साइडेड कर दिया यहाँ पे साइम अय्यूब ने। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में इस प्रकार की बल्लेबाजी करना, दोस्तों सब्सक्राइब तो बनता है, अगर साइम अय्यूब के फैन है तो सब्सक्राइब बिल्कुल बनता है। लीजिए तीसरा छक्का इस ओवर का, मात्र 3 रन दूर टीम पाकिस्तान अपनी जीत से, सिर्फ 3 रन से दूर यहां पे टीम पाकिस्तान अपनी जीत से। क्या इसी ओवर में मैच फिनिश होने वाला है, क्या चौथा छक्का भी यहां पे लगाएंगे। छक्का नहीं लेकिन धीमी गति से डाली गई है, सिंगल जरूर निकाला है, स्ट्राइक दोबारा से बाबर के पास आ चुका है। 8 गेंदें 2 रन से, मेरे ख्याल में तो बाबर आजम ही विनिंग शॉट खेलेंगे यहां पे, देखना होगा। 8 गेंदें 2 रन अभी भी चाहिए इस ओवर की दोस्तों। अगली गेंद लीजिए, रन से मिलेंगे 6 इसी के साथ, बाबर आजम ने विनिंग शॉट खेला। अगर आज की ये बल्लेबाजी पसंद आ रही है तो कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए यहाँ पे। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, पाकिस्तान ने 3 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया।